हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका माई ई क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको माइक्रोमीटर चलाना सिखाऊंगा कि माइक्रोमीटर किस प्रकार से चलाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये माइक्रोमीटर ही है। माइक्रोमीटर चलाना कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। आप स्केल को जानते हैं तो आप माइक्रोमीटर भी चला सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए ध्यान से, और फिर अपने दोस्तों को सिखाइए कि माइक्रोमीटर कैसे चलाते हैं, क्योंकि अगर आपने आज ये वीडियो देख ली पूरी तो आप माइक्रोमीटर चलाना सीख जाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके पार्ट्स को क्या क्या बोला जाता है तो मैं ये बता देता हूँ उसके पार्ट्स को। ये जो आप देख रहे हैं छोटे वाला जो है, इसको एनविल बोलते हैं, ठीक है, ये छोटे वाले को। और ये जो देख रहे हैं ग्रीन वाला, ये सी फिट टाइप में जो बना हुआ है, इसको फ्रेम बोलते हैं या फिर सी फ्रेम भी बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको स्पेंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेंडल। ये ऊपर नीचे होगा घुमाएंगे तो, इसको स्पेंडल बोलते हैं। और ये देख रहे हैं ब्लैक वाला, इसको लोक बोला जाता है। इसका यूज़ मैं बताऊँगा कहाँ यूज़ करना है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 0, 5, 10, 15, इसको स्लीव बोला जाता है, ठीक है, स्लीव बोला जाता है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको ये जो घूमने वाला है, इसको थिम्बल बोला जाता है। क्या बोल? थिम्बल। इस पे जो नंबर लिखे होते हैं वो 0.1 mm के लिखे होते हैं। इस पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे 0.1 mm के हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको रैचिट बोलते हैं। जहाँ से इस टाइम मैं घुमा रहा हूँ, इसको रैचिट बोलते हैं। रैचिट क्यों बोलते हैं, इस वीडियो में आपको मैं आगे बताऊँगा क्यों बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके मेजरमेंट के बारे में, जो सबसे मेन चीज़ है इसकी। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं ना, 0, 5, 10, 15, 20, 25, ये 25 mm तक के नंबर्स होंगे इसमें। अभी जो फ़िलहाल हमको चमक रहे हैं 15 से 20 mm तक के नंबर चमक रहे हैं। तो मैं बता दूं, इस पे जो एक 0 से 5 mm लिखा, 0 से 5 लिखा है, ये 5 mm के नंबर हैं। यानी कि इसका एक पॉइंट, एक जो लाइन है इसकी, वो 1 mm की है। ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 mm हो गया। यानी कि इसकी जो ऊपर वाली लाइन है, जो सेंटर लाइन देख रहे हैं, इसका जो ऊपर लाइन है ये 1 mm की लाइन है। और जो जस्ट इसके नीचे लाइन देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे होंगे, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एक, ये जो 0 से 1 लाइन है, इनके बीच में एक लाइन और है, देखिए। यानी कि ये जब 1 mm की है तो कितने mm की हो गई? 0.5 mm की हो गई, ठीक है। ये 1 mm की है तो इनके बीच में हो गई, तो 0.5 mm की हो गई, ठीक है। तो आगे इसका यूज़ बताएंगे वीडियो में कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, ठीक है। पर लेकिन इसको हमें 1 mm पढ़ना है तो इसका 0.50 mm पढ़ेंगे आगे। जब पढ़ेंगे इसको, जब यूज़ करेंगे तो 0.50 यूज़ करेंगे इसको, 0.5 mm यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो मैंने आपको लाइन बताई थी अभी, ये जो घूम रहा जो है, इस पे जो लाइंस लिखी हुई हैं सारी, ये 0.1 mm की हैं। कितने mm की है? 0.1 mm की। ये हमको ध्यान रखना होगा ज़रूरी, ठीक है। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, ऊपर वाली लाइन जो है, सेंट्रल लाइन से ऊपर वाली लाइन जो है, इस पर नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 1 mm की हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 mm की हो गई। और जस्ट इसके जो नीचे लाइन है वो 0.5 mm की होंगी, ठीक है। यानी कि जब 1 mm की है तो 0.5 mm की। और ये जो थिम्बल्स पे जो लाइन है, ये 0.1 mm की होंगी। देखिए जैसे ये 0, 0.1, 0.3, 0.2, 0.5, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट कर ले जल्दी से। कुछ चीज़ें मेरे सामने रखी होंगी, आप देख रहे होंगे। जैसे ये वाशर रखी है, इसको हमने आपको बताएंगे कितने mm की होगी। और एक नट रखा हुआ है मेरे पास, एक बड़ा नट रखा हुआ। और ये आप देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देखिए आप मेरे हाथ में जो है, ये जो वायर आपको दिख रही है, कॉपर वायर है, बहुत पतला तार है। इसको मैं ढूंढ के लाया हूँ। इसको मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊँगा इसको कितने mm का। ये देखिए, ये बल्ब से थोड़ा सा ही मोटा होगा। इसको भी मैं आपको बताऊँगा चेक करके। और जब मैं इसको चेक करूँगा माइक्रोमीटर से, तो मैं आपको इसका डिजिटल प्रूफ दूँगा। यानी कि मैं आपको जितना mm का इसको बताऊँगा, तो मैं इतना mm का इसमें, जो ये मेरे सामने डिजिटल वन ईयर कैलिपर जो देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने mm जो मैंने नापा वो सही है या गलत है। इसका मैं आपको लाइव प्रूफ दूँगा। ये कॉपर स्ट्रिप है, जैसे मैं इसको अभी चेक कर लेता हूँ आपके सामने मोटे तौर पे। ये देखिए, ये चेक करके बताएगा आपको ये कितने mm की है। ये देखिए 8.87 mm, ठीक है। ऐसे ही ये इन सब की चीज़ों को बताएगा कितने mm की है। और इस, ये देखिए 2.1 mm। तो इसलिए मैं आपको इसका डिजिटल प्रूफ दूंगा। जब भी मैं कोई चीज़ नापूंगा तो मैं आपको बताऊँगा जो मैंने चीज़ यूज़ की हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किस चीज़ को याद कर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस नट को चेक कर लेते हैं कितने mm का ये नट है। तो इस नट को चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं कि माइक्रोमीटर को कहाँ से पकड़ा जाता है। माइक्रोमीटर को पकड़ने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, 5 उंगली अपने हाथ की, 2 उंगली इसके अंदर डालनी है, 1 उंगली को यहाँ होल्ड करना होता है और 1 उंगली से इसे चलाना होता है, ठीक है। ये ऐसे चलाना होता है इसको। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इसमें तरीके से बताऊं, तो मैंने आपको इसको बता दिया है कि इस प्रकार से करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और काफ़ी लंबा हो भी जाएगा, पर वीडियो का पूरा देखिएगा। सबसे पहले
इसको हम चेक कर लेते हैं, ये जो आप नट देख रहे हैं इस नट को हम चेक कर लेते हैं ये कितने mm का है। तो इसमें लगाते हैं सबसे पहले जल्दी से करके इसके, ये देखिए हम लगा लेते हैं इसको, ये यहाँ से घुमाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसको यहाँ से ना घुमाइए कभी भी, जब घुमाएंगे तो यहाँ से घुमाना, यहाँ से मत घुमाइएगा। यहाँ से घुमाने की कोशिश करेंगे तो अगर जल्दी गलती से आप ज़्यादा घुमा देंगे तो ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, फिर आपका एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ जहाँ से आप देख रहे हैं इसको। ये जब देखिए, ये जब कट 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 बोलेगा इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। इससे आगे नहीं टाइट करना, यहाँ से आपको टाइट करेंगे तो और टाइट हो जाएगा। टाइट तो हो जाएगा पर आपकी जो रीडिंग आएगी वो सही नहीं आएगी, इसलिए आपको यहाँ से ही टाइट करना है। यहाँ से टाइट करने में जब कट कट बोलेगा तो रोक देना है। चलिए अब काउंट कर लेते कितने में हमारा इसको, ये देखिए इसका लॉक लगा लेते हैं। यहाँ से इसका लॉक लगता है, अब ये लॉक लग गया है, अब ये ऊपर नीचे नहीं भागेगा। चाहे तो आप नट निकाल सकते हैं, ये कहीं कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर, हमें नट लगाने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है नहीं। तो चल स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आपको 1 mm की लाइनें बताई थी सारी, 1 mm की नीचे वाली आधे mm की हैं। तो देखिए 5, 10, 15 और ये 16 mm आ गया। 17 mm हमको नहीं दिख रहा, देखिए 17 mm हमको नहीं दिख रहा। 17 mm हमको कब दिखता ये दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको यहाँ से मैं लॉक खोलता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। यहाँ से मैं खोलता हूँ, 17 mm हमको कब आता है देखिए। 17 mm जब आ गए, सेंटर वाली लाइन जो है ना, ये सेंटर वाली लाइन इस जीरो से लाइन वाली लाइन से टच हो जाएगी, यानी कि ये सेंटर वाली लाइन और ये जीरो की लाइन टच हो जाएगी। तो सेंटर ये 7 पर जाएगा और 17 पर आ जाएगा। 17 पर जैसे आ गए देखिए हमको 17 mm वाली लाइन दिखाई देने लग जाएगी। ये देखिए ये वीडियो रुकेगा तो देखिएगा, ये देखिए हम दिख रहा है दोस्तों। तो ये 17 mm होता तब, अभी 17 तो आ नहीं रहा है। इसको हम आगे टाइट कर लेते हैं यहाँ पे पहले था, ये कट कट बोला और हम इसको छोड़ देते हैं। अब हम काउंट करते हैं कितने mm आ रहा है, ये 16, ये 50 आ गया, यानी कि 16.5 तो आ गया। 16.5 हमको नहीं बोलना है इसको, मैंने कहता था 0.50 बोलना है, तो 0.50। एक डायरी लेते हैं, आगे करते हैं डायरी को, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा। तो ये आ गया हमारा 16.50। मैंने बताया ना इसको नीचे वाले को हमको 50 पढ़ना है, कितना पढ़ना है 50 पढ़ना है इसको, 15, 16, 16.5 नहीं पढ़ना है हमको, 16.50 पढ़ना है। 16.50 मैंने लिख दिया है। अब देखिए काउंट करते हैं इसको, ये कितने mm का आ रहा है। मैंने आपको ये 0.1 mm बताया था, जीरो से स्टार्ट होता है, 20 पे आया, 21, 23, 24, 25 आ गया, 26 देखिए 26 और 27 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा पास है, जो लाइन सबसे ज़्यादा पास होगी उस लाइन को हम ले लेंगे। तो 27 वाली जो लाइन है, याली जो लाइन है, ये ज़्यादा पास है, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। जो लाइन सबसे ज़्यादा पास होगी उसको काउंट करेंगे, तो 27 आ गया, तो 27 लिख लेते हैं, 0.27 mm आ गया, तो 0.27 mm इसको लिख लेते हैं। अब लिख लेते हैं इसको, काउंट कर लेते हैं पूरा कितना है, 16.77 mm आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका लाइफ प्रूफ दिखाता हूँ, इस पर मैं एक निशान लगा देता हूँ जिससे मेरा ये हिले ना, मैं निकालते टाइम इसको मेरा। तो मैंने एक यहाँ निशान लगा दिया है जिससे मैं माइक्रोमीटर में जब चेक करूँ तो यहीं से ही चेक करूँ। चलिए मैं खोल लेता हूँ इसको, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइफ प्रूफ जो मैंने आपको बताया था। जीरो है मेरा, ये देखिए 16.77 mm आ गए। 16.77 mm मैंने आपको बताया था कि इतना ही आएगा, लाइव प्रूफ मैंने आपको दे रहा हूँ हर चीज़ का। ये देखिए 16.77 mm आ गया, यानी कि जो मैंने माइक्रोमीटर से आपको चेक करके बताया वो एकदम सही बताया है। इसमें मैंने आपको 1 mm ना ऊपर ना नीचे बताया, ये देख लीजिए आपको दिख रहा होगा। चलिए जल्दी से अब दूसरा कोई प्रूफ ले लेते हैं, अब जल्दी से हम कोई दूसरा चेक करते हैं फटाफट, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को सपोर्ट हमको नहीं मिल पाता। प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी वीडियो को इसको सीख लें, माइक्रोमीटर कैसे चलाना जानते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक वाशर है, इस वाशर को हम चेक करते हैं सबसे पहले हम। ये देखिए ये वाशर बहुत पतला है,
देखिए यहाँ से जब कट कट बोलेगा तो छोड़ देना है, ठीक है। छोड़ने के बाद इसको लॉक लगा लेंगे। अब हम पढ़ेंगे दोबारा से कितना एमएम का आएगा। इसको पीछे कर देते हैं, ये देखिए 0.50 तो आ गया, 1 mm नहीं आया, ठीक है ना। 0.50 आ गया है, 1 mm नहीं आया है, देखिए। तो ये कितना आ गया, 0 से स्टार्ट होता है नीचे वाला, 15 आया, 20 आया, 21, 22, ठीक है। यानी कि आ गया इसका वाचर का है 0.50, तो आ ही गया है। और आ गया ये मैं बता दूं आपको दोबारा से, ये जो लाइन है थिम्बल पे वो 0.1 mm की है, तो 0.20 mm, 0.21, 0.22 एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। इस लाइन से हम नापते हैं 0.22, इस लाइन से हम नापेंगे जो सेंटर लाइन है, 0.22 आ गया। इसको इसमें काउंट कर देंगे, अब 0.22 को काउंट कर देंगे तो यह आएगा हमारा 0.72 आ गया है। अब 0.72 mm हम चेक करके बताएंगे आपको 1 ईयर कैलिपर से, जो मैंने आपको बताया है वो सही है या नहीं। मैंने आपको एक बात और बता दूँ, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये 50 mm की है, 0.50 mm की, ठीक है ना। 0.50 mm नीचे वाली लाइन पर आया है, ऊपर वाली लाइन पर आता तो 1 mm हो जाता है, ऊपर वाली लाइन पर नहीं आया। चलिए जल्दी से इससे माइक्रोमीटर से डिजिटल वनियर से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको नापा है तो यहीं से हम चेक करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट रीडिंग आ जाए। ये देखिए, ये मेरा 0.0, ये देखिए 0.72 mm मैंने आपको नाप के बताया, 0.72 ये मेरा आ गया। ये देखिए वॉचेस में लगा हुआ है, 0.72 आ गया। ये लाइव प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो मैंने नाप के आपको रीडिंग दी है वो सही है या नहीं है। ये मेरे डिजिटल वन ईयर कैलिपर है, इसको मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जो नापा जा रहा है वो एकदम सही है या नहीं है। ये देखिए इसको रख देते हैं फटाफट। अब दूसरी चीज़ ले लेते हैं, मेरे पास ये बोल्ट नहीं नापते हैं, कुछ और चीज़ नापते हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज, हाँ ये मेरा चार्जर है, इसको हम ले लेते हैं। ये मेरा चार्जर है, इसको हम निकाल लेते हैं, इसकी नट केबल निकाल लेते हैं और इसको हम चेक करते हैं कितने एमएम का आ रहा है, ठीक है। इसको हम चेक करेंगे ये कितने एमएम का है। तो चेक करने सबसे पहले से खोल लेते हैं और इसको इसमें लगाएंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। आपने आज तक ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें आपको लाइव प्रूफ मिला हो। ये देखिए यहाँ से टाइट, आप कोशिश करिएगा ना ही करें, यहाँ से टाइट करेंगे तो इसमें रीडिंग गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। 0.1 mm का भी अंतर आएगा तो फिर आपकी रीडिंग सही नहीं आएगी और आपको उसमें फिर प्रॉब्लम होगी। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए कट, जब कट बोलेगा तो उसको हमें छोड़ देना है, उससे ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है। यहाँ से बिल्कुल टाइट नहीं करना, उसके टाइट यहाँ से टाइट करना, यहाँ से टाइट नहीं करना है, यहाँ से टाइट करने के बाद यहाँ से टाइट नहीं करना है, ठीक है। चलिए जल्दी से काउंट कर लेते हैं। ऊपर वाले ने 0.1 mm की बताई है मैंने आपको, तो ये कितना आगे देखिए, सॉरी ऊपर वाले ने 1 mm किया है, 0.1 सॉरी ऊपर वाले ने 1 mm किया है, 10 mm, 11, 12, 13 और ये देखिए हमको जो दिखा है वो 14 वाली लाइन भी हमको इसे दिख गया है ना। ये देखिए वीडियो का 14 वाली लाइन हमको दिखा। अब देखिए 0.1 mm मैंने बताया था, 0 से स्टार्ट हो गया तो कितना आ रहा है देखिए, अब 1 mm, 0.1, 0.2, 0.3। तो हमने आपसे बताया जो लाइन सेंटर लाइन के ज़्यादा पास होगी वही लाइन हमें काउंट करनी है, तो 0.3 की जो लाइन है वो सेंटर लाइन के ज़्यादा पास है। तो इसका आ गया हमारा, इसकी जो रीडिंग आएगी चार्जर की, हमारे मोबाइल चार्जर की, वो 14.123 mm आएगी, ठीक है, 14.3 mm आ रही है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं, ये लॉक लगाने से लगा लेते हैं, पर हमें हटा देते हैं इसको सीधा। हटाने से पहले मैं इसमें एक निशान लगा देता हूँ ताकि जो मैं रीडिंग मैंने ली है वो वहीं से मैं रीड लूँ, मैं इसमें वन ईयर कैलिपर में जहाँ से हमने इसको चेक किया है। अब हम यहीं से ही रीडिंग लेंगे इसके अंदर, ताकि हमारी रीडिंग माइक्रोमीटर में 1 mm भी, सॉरी वन ईयर कैलिपर में 1 mm भी गलत ना हो। अब देख लेते हैं इसको, ये थोड़ा लंबा निशान लगाते हैं। ये देखिए आपको मैंने बताया 14.3 mm, देखिए
चार्जर का जो मैंने बताया था आपको नाप के 14.3 mm इसका चार्जर का मोटाई आया, ये देख लीजिए, लाइव प्रूफ आपके सामने है। आज तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लाइव प्रूफ किसी ने नहीं दिया होगा, क्योंकि उनका 1-2 mm गलत हो गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, छोड़ देते हैं इसको। अब मैं आपको एक सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा चेक करके, जिसको आपको विश्वास नहीं होना। कहते हैं माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर एक बाल को भी नाप देता है। बाल तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास एक बाल जैसा तार जरूर है, जिसको मैंने आपको शुरू में वीडियो में दिखाया था। ये जो आप तार देख रहे हैं मेरे सामने रखा है, देखिए ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये तार देखिए आप, ये आपको दिख रहा है ना, इसको हम माइक्रोमीटर में नाप के दिखाएंगे ये कितने mm का है। पहले माइक्रोमीटर में नापेंगे और फिर वर्नियर कैलिपर में नाप के दिखाएंगे कि कितने mm का होगा ये तार। ये तार काफ़ी जगह से बुढ़ा हुआ है और हर जगह से इसमें रीडिंग अलग अलग आ सकती है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं आपको वही रीडिंग दूँ सीधा करके, जो मैं आपको माइक्रोमीटर में चेक करके वर्नियर कैलिपर में चेक करके बता सकूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसको थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है पकड़ने में, फिर भी चलिए पहले इसको कम कर लेते हैं जल्दी से। कोई कमेंट्स हो वीडियो में आपका तो बता दीजिए, कोई और मीटर वगैरह सीखना हो तो आपको आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा फिर। नहीं आया बीच में, ये देखिए देख रहे हैं अभी, ये देखिए आप वीडियो गौर से देखिए, अटक गया है, ठीक है ना, और थोड़ा गैप भी है, देख रहे हैं ना। अब हम चेक करेंगे कितने mm का गैप है इसमें, ये तार कितने mm आएगा। अब गौर से आप माइक्रोमीटर को देखिएगा, गौर से बहुत सीखने वाली बात आ जाती है इसमें, मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई हैं। देखिए ना तो ये 0.50 पा रहा, ना ही पॉइंट, ना तो 0.50 पे आया है और ना ही 1 mm पे आया है, ये देखिए जरा सा हिला है बिल्कुल। तो कितना हिला है मैंने आपको बताया, 0.1 mm की लाइन है, 0.1 mm की, इतना बताया 0.1 mm। तो देखिए अब ये आता है हमारा 10, 11 और ये 12। मैंने बताया जिसके नज़दीक होगा, तो ये किसके नज़दीक आ रहा है, देखिए ये 12 mm के नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना, 12 mm के नज़दीक आ रहा है ना, 0.12 mm, ठीक है ना, 0.12 mm है यार, याद रखना 0.12 mm है। ये थिम्बल पर जो लाइन है 0.1 mm की लाइन होती है, थिम्बल पर जो लाइन है 0.1 mm की होती है, तो हमारा 0.12 mm आ गया है। और जो लाइन 12 हमने पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा क्योंकि जो ये देख रहे हैं ना, जो लाइन सेंट्रल लाइन के ज़्यादा पास होगी उसी लाइन को हम पढ़ेंगे, तो सेंट्रल लाइन के ज़्यादा पास है 11 तो पास है नहीं, ये 12 वाली लाइन जो है ज़्यादा पास है, तो ठीक है तो 12 पढ़ेंगे। अभी हम इसको खोल लेते हैं, फटाफट खोल लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन उसको दबाइए। अब मैं आपको लाइव प्रूफ दूंगा इसको वर्नियर कैलिपर से, देखिए आपको शायद तार दिख रहा होगा, ये देखिए ज़्यादा तेज़ दब गया, सीधा कर लेते हैं इसको हम। देखिए 0.12 mm आ गया, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कितना बताया, 0.12 इसमें आप देख रहे हैं 0.12 mm, यानी कि मैंने आपको एक बाल से हल्का सा मोटा वायर को, हल्का सा मोटा तार जो है इसको भी मैंने आपको चेक करके बता दिया है कितने mm का। लाइव प्रूफ आपको किसी ने भी नहीं दिया होगा आज तक, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दूसरों को सिखाइए कि माइक्रोमीटर को कैसे चलाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।